नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 बजे की इस बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या के मामले में नया और बड़ा खुलासा हुआ है। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्थानीय सरपंच चित्रा चौधरी ने यह आशंका जताई है कि जानबूझकर संतों की हत्या होने दी गई। चित्रा चौधरी का यह आरोप है कि एनसीपी के स्थानीय नेता काशीनाथ चौधरी ने भीड़ को रोका ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे। गढ़चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी ने सवाल उठाया कि हथियारों के साथ मौके पर इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई, जो आशंका है वो 2500 से ज्यादा की भीड़ की है। गढ़चिंचले वही गांव है जहां संतों की हत्या हुई थी। संतों की हत्या के बाद चित्रा चौधरी को भी जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही थी। चित्रा चौधरी के आरोपों पर एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी ने भी सफाई दी और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सीआईडी ने काशीनाथ चौधरी को पूछताछ के लिए समन किया है। इसी मुद्दे पर आज की हमारी ये बड़ी बहस होगी और इसके सवाल ये हैं कि महाराष्ट्र में संतों की हत्या पर इतना सन्नाटा क्यों है? कहां गया वो टुकड़े टुकड़े गैंग और वो अवार्ड वापसी गैंग जो हर तरह से मुखर होने की कोशिश करता है? पालघर पर घमासान, सेकुलर गैंग की क्यों नहीं खुल रही है अब जुबान? संतों की हत्या पर चुप्पी सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट यही होता है क्या? साधु की हत्या पर कांग्रेस का धृतराष्ट्र मॉडल, गिरफ्तारी 100 के पार, अब सामने आएगा असली गुनहगार, क्योंकि अभी तक 8 दिन हो गए हैं, आज 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इंतजार अभी भी इस बात का है कि मास्टरमाइंड कौन है। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठे हैं, उन्हीं सवालों पर मैं चाहूंगी कि सभी लोग इसी सवालों पर रहकर चर्चा करें। और मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। जयराम विप्लव है, नेता बीजेपी पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है, शिवसेना समर्थक है। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक है। स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन संजय गुप्ता, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। आज 8 दिन हो चुके हैं आज इस घटना को, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर क्या संतुष्टि हो सकती है? देखिए, संतुष्टि तो इस बात से है कि जिस तरह से पालघर की घटना घटी, जिन लोगों ने भी साधु महाराजों को, ड्राइवरों को मारा, उनको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया उद्धव सरकार में कि किसी ने किसी षड्यंत्र के तहत मारा या किसी अफवाह के तहत मारा। उनके ऊपर धारा 302 में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। तो अगर कोई अफवाह थी तो भी किसी को इस बात का हक नहीं मिल जाता कि कोई साधु महाराजों को इस तरह से जान से मार देगा जबकि वहां पुलिस आ गई हो। पुलिस के आ जाने के बाद जिस तरह से उन लोगों ने मारा, मेरे ख्याल से उन लोगों को रुक जाना चाहिए था। अगर वो नहीं रुके तो इससे पता चलता है कि उनके मन में उनको मारना ही था, इसलिए उनके ऊपर धारा 302 के केस रजिस्टर किए गए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही संजय गुप्ता, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि कम से कम इस बात से तो इनकार नहीं किया गया इस पूरे प्रकरण के बाद से कि ये सुनियोजित नहीं था। लेकिन चित्रा चौधरी जो गंभीर आरोप लगा रही हैं, उनका क्या? देखिए, चित्रा चौधरी जी जो कह रही हैं वो बात भी कंसीडर करने की बात है, क्योंकि सबसे पहला काम तो ये होता है कि जब कभी इस तरह की कोई दुर्घटना घट जाती है तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना होता है, उनके ऊपर धाराएं लगा करके उनके ऊपर केस रजिस्टर करना होता है। तो जिस तरह से मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने उद्धव साहब से बात की, और जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित साहब ने उद्धव साहब से बात की, और खुद उद्धव साहब ने सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बयान दिया कि जिन लोगों ने भी उनकी हत्या की है, चाहे वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे, चाहे वो किसी अफवाह का हिस्सा थे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी किस्म से। और मेरे ख्याल से जिस तरह से एक्शन उद्धव सरकार को उनके ऊपर, उनके खिलाफ लेना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो एक्शन उन्होंने लिया है। सर, आप तो बहुत संतुष्ट हैं कि एक्शन लेना चाहिए था, लिया है। अगर आप ये कहते कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं या अभी हमें अपनी जांच तेज कर रही है, तो शायद मुझे संतुष्टि होती यहां बैठकर। बिल्कुल, इतने भर पर संतुष्ट हो जाना मेरी तो समझ से परे है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं। ये तो उद्धव साहब ने क्लियर तौर पर कहा है कि इसके अंदर कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये इसी बात का प्रमाण है कि उनके ऊपर जो केस रजिस्टर किए गए हैं वो धारा 302 के रजिस्टर किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के रजिस्टर किए गए हैं। क्या संतों की हत्या के खिलाफ आवाज उठाना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है, और आवाज ना उठाना सेकुलरिज्म कैसे हो सकता है? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपको साधुवाद करता हूं कि आपने आज इस विषय को उठाया और लगातार आप उठा रहे हैं। देखिए पयोधी, लंबे समय से इस देश में एक ही नैरेटिव, एक ही पक्ष मीडिया और एकेडमिक्स में और बुद्धिजीवियों के बीच लगातार उठाया जाता रहा है। लेकिन आज जी न्यूज जैसी संस्थाओं की पहल है कि आज
साधु संतों का पक्ष भी आ रहा है, आज बहुसंख्यक समाज का पक्ष भी आ रहा है। और आप इस देश में कल्पना करिए कि अगर एक अखलाक को लेकर के इतना बड़ा माहौल बनाया जा सकता है तो आज संतों पर चुप्पी है। सवाल तो इसीलिए उठ रहे पयोधी कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी की मुखिया आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहा सकती है तो साधु संतों के लिए दो बोल उनके मुंह से क्यों नहीं निकलते? क्या वो संवेदना भी मर गई उनके भीतर? तो सवाल तो उठेंगे। दूसरा जो संजय भाई कह रहे थे, सवाल पुलिस पर भी उठ रहा है कि पुलिस आखिर वहां पर कर क्या रही थी, और सवाल उनके सहयोगी पार्टी के नेता पर भी उठ रहा है, वो काशीनाथ चौधरी गिरफ्त से बाहर क्यों है, जिसकी मौजूदगी में बिना उकसाई गई भीड़ का ये काम नहीं हो सकता। भीड़ को कोई लगातार वहां बैठ करके उकसा रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्योंकि वो तो साधु संत थे, निहत्ते थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनके साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करना, एक बार उनको पुलिस संरक्षण में लिया गया, दोबारा पकड़ करके मारना, तो ये लगातार उकसावे के कारण ही संभव हो सका। तो उस भीड़ से भी ज्यादा वो उकसाने वाले लोग को आज पकड़ने की आवश्यकता है। और उद्धव साहब कब बोलने के लिए आए? जब गृह मंत्री जी ने उनसे बात की, जब चारों ओर से मीडिया का दबाव बना, चारों ओर से साधु संतों का दबाव बना, महाराष्ट्र सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, लगता नहीं कि वो दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं। ऋषि मिश्रा, स्वामी दीपांकर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ऋषि मिश्रा ये तो पूरी सुनियोजित साजिश थी। अगर महिला सरपंच की बातों पर गौर किया जाए तो उन्होंने आप बीती बताई है कि कैसे जान बचाकर वो भागी है वहां से। शशि जी, सर्वप्रथम मैं बताऊं कि जो पालघर में जो घटना हुई है उससे पूरा देश शर्मसार है, मैं खुद मर्माहत हूं। ये हृदय विदारक घटना जो पालघर में हुई है कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता पे प्रहार है। हम लोग पूरे भारत के जितने भी लोग हैं इससे शर्मसार हैं। लेकिन आज के जो डिबेट का जो आपने जो इश्यू रखा है, चित्रा चौधरी हैं उनके बयान को लेके, तो आपको मालूम होना चाहिए चित्रा चौधरी वहां के सरपंच के साथ साथ बीजेपी के नेत्री भी है। तो चित्रा चौधरी के सिर्फ तो इसलिए उन्होंने आकर कह दिया कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। ऋषि मिश्रा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बातों को ना पहले फैक्चुअली ठीक कर लिया कीजिए, फैक्चुअली ठीक कर लिया कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आकर ये कहता है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं तो वो उसकी सुरक्षा पहले प्राथमिकता है, या वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है वो प्राथमिकता है? लाते कहां से हैं एंगल आप लोग? एफआईआर में है ऋषि मिश्रा, लाते कहां से हैं? नाम एफआईआर में है, चित्रा चौधरी की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। वो खुद बोल रही है कि तीन घंटे तक मैं स्थल पे रही, तो उन्होंने ये कहा कि तीन घंटे तक मैं वहां पर थी, फिर फॉरेस्ट का जो वहां चौकी बनी हुई है वहां पर उनको मैंने पुलिस के हवाले किया, और उसके बाद मैं वहां से गई पुलिस के हवाले करके, पुलिस को सौंप कर मैं वहां से गई, ये बात उन्होंने कही है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं शशि जी, मैं आपके माध्यम से न्यायिक जांच की मांग करता हूं, और मैं गृह मंत्री के रोल पे भी और वहां के लोकल प्रशासन के रोल पे भी सवाल खड़ा करता हूं, क्योंकि उसी एरिया में 10 दिन पहले एक डॉक्टर के साथ मारपीट किया गया था, तो पुलिस वहां सजग क्यों नहीं हुई, सवाल एक है। लेकिन चित्रा चौधरी के बयान को लेके आप डिबेट कर रही है, तो सर आप अपना सेकुलरिज्म बचाने में रहिए ऋषि मिश्रा, आप अपना सेकुलरिज्म बचाने में ही लगे रहिए। आप देश की परिस्थितियों को मत समझिए, आप मुद्दे की संजीदगी को मत समझिए। स्वामी दीपांकर, मैं सबसे आखिर में आपके पास आई क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले इस पर रिएक्शन ले लूं, लेकिन साधुओं की हत्या के बाद सबको ये सेकुलरिज्म की याद कहां से आ जाती है? और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठा दे तो वो सांप्रदायिक हो गया, ये तमगा दे दिया गया। शशि, मैं अगर अपनी बात कहूं तो मुझे प्लीज कहने दीजिएगा जी, और मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं यहां से, मीडिया से। क्या हमारा मर जाना भी मीडिया के लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या भगवा पहनना इस देश में गुनाह हो गया? क्या सन्यासी होना इस देश में गुनाह हो गया? और मैं बड़े मौन होकर देख रहा हूं शशि, पक्ष और विपक्ष दोनों को, क्या कोई मेरे लिए राम बनने के लिए तैयार है? कि कोई धर्म और धर्म रक्षकों को बचाने के लिए तैयार है? क्या हम लोग शाहीन बाग एक महीने तक चलता रहा और प्रतिदिन फ्रंट पेज की खबर होती थी? तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, पांच दिन नहीं बीते,
ये खबर खत्म हो गया, मर गया या मार दिया गया। पहले सन्यासी मारे गए, फिर उसके बाद खबर मारा जा रहा है। मेरा ये विरोध है मीडिया का। मैं मीडिया के विरोध में ये बात कह रहा हूं, पर मैं बड़ा मौन होकर कह रहा हूं, मैं कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आखिरकार हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों की खता क्या है कि अब तक मौन रहे, सहिष्णु है, प्यार मोहब्बत से अपनी बात कहते हैं? हम लोगों को कौन सा भारत, क्या राजनीति कुछ विशेष लोगों के लिए है या हम भी उसका हिस्सा हैं? और अगर हम भी उसका हिस्सा हैं तो हमें मारा क्यों जा रहा है? और अगर जो इसी प्रकार से मारिएगा तो बताइए कि आप साउथ चाइना सी में जाकर डूब जाइए। मुझे मेरी बातों के प्रश्न के उत्तर और मैं एक पयोधी जी सन्यासी होने के नाते आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरी बात सुधीर भाई तक पहुंचाइएगा कि कम से कम आप इस खबर को मरने ना दें। स्वामी दीपांकर, आपकी संवेदनाओं के प्रति पूरा सम्मान है। मैं हाथ पर आज काली, मैं आपसे, मैं आपको बैठा हूं पयोधी, आज शशि मैं आज काली पट्टी बांधकर बैठा हूं, हाथ में कभी किसी सन्यासी ने नहीं बांधी। मैं अपना विरोध दर्ज करा रहा हूं। हम लोग मौन है, लोक में है मगर डाउन नहीं है। मगर हम लोगों के साथ ऐसा मत करिए भाई साहब, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, हम लोगों के साथ ऐसा मत करो। हम लोग भी आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही के लिए कोरोना काल में मठ मंदिरों से जितना दान आया, क्या इसीलिए आया था कि हमें मार डालिए? हम लोगों के ऊपर एक एक शब्द मत बोलिए। क्या हम लोग सांप्रदायिक हो गए? जो सर्वे भवंतु सुखिना की परिभाषा गढ़ता है वो सन्यासी सांप्रदायिक हो गया? यही अगर जो कोई अन्य संप्रदाय का होता तो भी आप लोगों का यही माहौल होता क्या? स्वामी दीपांकर, आपकी आपकी संवेदनाओं का पूरा सम्मान है और पूरा देश सम्मान करता है। जी न्यूज के दर्शक आपकी संवेदनाओं का सम्मान करते हैं, सब इस बर्बरता के खिलाफ खड़े हैं और जी न्यूज ये मुहिम चला रखी है, जी न्यूज ने, और चलाता रहेगा जब तक इसका मास्टरमाइंड सामने नहीं आ जाता, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। ये आपको मैं सुनिश्चित कर देना चाहती हूं। लेकिन विप्लव देव, जवाब दीजिए इन सब बातों का। देखिए, सबसे पहले तो स्वामी जी ने जो कहा वो सत्य ही प्रतीत होता है, क्योंकि मीडिया के एक बड़े वर्ग ने लगातार चार दिनों तक तो इस पूरे मामले को चोरों की मॉब लिंचिंग बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ये थीप्स कुछ चोर थे जिनको मार दिया गया, और बाद में जब लगातार बोला गया, लिखा गया, तब जाकर के आप देखिए कि आज साधु संतों की बात हो रही है। तो ये तो इस देश का माहौल था, इसीलिए मैंने शुरुआत में जी न्यूज को भी साधुवाद किया है। और आज आप देखिए कि माहौल किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि आप एक पर्टिकुलर केस में, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अगर वहां पर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ कोई घटना हो, पीड़ित और अपराधी का पहचान देख करके, उसकी जाति और मजहब देख करके अगर आप निर्णय लेते हैं कि इसको मॉब लिंचिंग कहना है या नहीं कहना है, अगर आप निर्णय लेते हैं कि इस पर अवार्ड वापस करना है या नहीं करना है, अगर आप निर्णय लेते हैं कि इस पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी है या नहीं लिखनी है, ट्विटर पर हैशटैग चलाना है या नहीं चलाना है, तो यह आपका दोहरा चरित्र है, कुछ और नहीं। और सवाल है कि विपक्ष के वो तमाम बड़े चेहरे और संविधान बचाने की बातें करने वाले लोग, ऋषि मिश्रा, आज तो देश जानना चाहता है ना, आज देश ये जानना चाहता है कि वो सारे चेहरे कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए जो आकर ये कहते हैं, जिन्हें जमातियों से लगाव हो जाता है, जिन्हें ताहिर हुसैन से लगाव हो जाता है, आज वो चेहरे कहाँ गए? नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देखा पालघर को लेके, अमित शाह जी का ट्वीट देखा, राजनाथ सिंह का ट्वीट देखा, जेपी नड्डा जी का ट्वीट देखा, सोनिया गांधी का ट्वीट आया क्या? मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी का ट्वीट आया, वो है क्या, पढ़वा दीजिए मुझे। दो बार फटकार लगाया है, आप आया क्या ट्वीट? पत्रकार है आप, आधे अधूरी बात करती है सर। अरे साहब, अपना पक्ष लेकर बैठते नहीं बैठते, अपनी अपनी जवाबदेही लेकर बैठते नहीं बैठते। ऋषि मिश्रा, मुझे मत सिखाइए यहाँ बैठकर, अपनी जवाबदेही तय कर बैठते हैं, सोचकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं। क्यों सीरियस नहीं है केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर? क्यों सीरियस नहीं है केंद्र सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने दो बार फटकार लगाई है, 2018 में, 2019 में रंजन गोगोई साहब ने फटकार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको केंद्र सरकार ने पालन ठीक है। ऋषि मिश्रा, लिंचिंग हो जाए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, अगर 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 उसमें कोई मुस्लिम शिकार हो जाए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और अगर साधुओं पे बात आ जाए तो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अपना स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए जनाब। बहरहाल, एक बड़ी खबर इसी बीच है, पालघर के गांव गढ़चिंचले में
सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है, ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और वो जो आने जाने वाला रास्ता है उसे सील कर दिया गया है। साधु हत्याकांड पर सीबीआई ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 नाबालिग भी हैं, आपको ये भी बता दें इसमें। और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया गया है जहां पर छिपे होने की आशंका है सभी आरोपियों के। और जो वीडियो फुटेज निकल कर आई थी, ये ड्रोन से उस जंगल की तरफ इस ड्रोन से नजर रखी जाएगी जहां पर ये खबर आई थी कि आरोपी मुमकिन है कि वहां पर छिपे होंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अब उस पूरे रास्ते को सील कर दिया गया है आने जाने पर, क्योंकि रोक लगा दी है। राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, इस पे अपडेट बताइए, और क्या जानकारी है? देखिए, इस इलाके में पूरी तरह से सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। जो रास्ता नासिक से होके सिलवासा होते हुए गुजरात की तरफ जाता है, उस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो अभी तक 103 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके अलावा जो एफआईआर रजिस्टर्ड है उसमें 400 से 500 लोगों के नामजद हैं। हालांकि अभी तक वो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उनकी तलाशी के लिए सीआईडी की टीम यहां बराबर गश्त लगा रही है। सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से सीआरपीएफ की टुकड़ी के जरिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। एक तरह से आने जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो भी अंदर व्यक्ति जाता है उसे पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही वहां भेजा जाता है या जा सकता है। सारी की सारी चीजें इस कवायद पर टिकी हुई है और इस तरह से तलाश की जा रही है कि जो आरोपी लोग उस वक्त थे, उन आरोपियों को पूरी तरह से तलाश की जा रही है। ड्रोन से पूरी निगरानी, इलाके की निगरानी की गई है। आज फिर उसी ड्रोन से दूसरे इलाकों की भी निगरानी की जाए। कुल मिलाकर उस गढ़चिचौड़ गांव के अलावा 4-5 गांव के, इसके अलावा लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस में ये तलाशी की जा रही है। गांव के लोग, यानी गढ़चिचौड़ गांव के लोग, जो आरोपी के परिवार के लोग या परिजन जो भी लोग हैं, राजीव, वो गांव छोड़। आपसे आगे इस खबर के बाबत और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक पूरा वो रास्ता, एक पूरा वो एरिया, हालांकि पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुट जाती है, 2,500 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को इसकी जानकारी होती है, एक नेता जब वहां पहुंचता है जिसका नाम काशीनाथ बताया जा रहा है तो उसके नाम के नारेबाजी होती है और ये कहा जाता है कि भाई जी आ गए, और उसके बाद जो बर्बरता होती है वो आप सबने देखी। लेकिन सवाल यही है कि जब तक मास्टरमाइंड गिरफ्त में नहीं आ जाते, जी न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, हम फौरन लौटेंगे। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.